फिरोजाबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज व्यवस्था को लेकर खुद है बीमार। कैसे होगा मरीजों का इलाज? स्वास्थ्य मंत्री जी, थोड़ा ध्यान फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज पर भी दे लीजिए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है और वह इसको बखूबी निभा भी रहे हैं। आए दिन आपको सुर्खियों में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल पर औचक निरीक्षण की खबरें देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री एक बार अपनी नज़र फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर भी डाल दीजिए, क्योंकि फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज खुद ही व्यवस्थाओं को लेकर बीमार दिखाई दे रहा है। हम बात फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के उन बीमार मरीजों की कर रहे हैं जिन्हें उनके तीमारदार वार्डों से 42 से 44 डिग्री के तापमान में खुद सरकारी ट्रॉमा सेंटर से टीबी वार्ड तक ले जा रहे हैं। एक 70 साल की वृद्ध महिला व्हीलचेयर पर अपने बीमार बेटे को सिटी स्कैन कराने के लिए इस कड़कड़ाती धूप में लेकर जा रही है, तो वहीं एक भाई अपनी बहन को गोद में उठाकर हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए ले जा रहा है। परवेश क्या हो गया इनको? इनको टीबी की शिकायत है। अच्छा, पैरों में दिक्कत है। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? अभी हम डॉक्टर हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। क्या कह दी? देखिए, अपनी गाड़ी से लेकर जाओ क्या पैदल ले जाओ। अच्छा, अगर मरीजों को ले जाने की बात करें तो सरकारी एम्बुलेंस मरीजों को ले जाने का काम करती है, लेकिन एम्बुलेंस भी इन मरीजों को नहीं ले गई। कोई कर्मचारी नहीं है, सब खुद ही करना पड़ता। फिलहाल लापरवाही का फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में अंबार है। जब हमने इस बारे में स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, KIA न्यूज़, फिरोजाबाद।